ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बैंगलोर का अपना म्यूज़ियम है, जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने जितने भी फाइटर प्लेन्स आज तक यूज़ किए हैं, बनाए हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और उनके एक एक प्रोटोटाइप्स, जिसे आप हिंदी में नमूने बोल सकते हैं आम भाषा में, वो रखे हुए हैं। ये अलग अलग जनरेशन के फाइटर, जो पहला हमने देखा यहाँ पे वो मरूद था, जो तकरीबन 1977 में इंडियन एयरफोर्स से बाहर निकाल दिया गया था। अभी आप देख रहे हैं ये है MiG-21, आप न्यूज़ में काफ़ी सुनते होंगे इसके बारे में। ये पुरानी जनरेशन का MiG-21 है, जो आज भी किसी और रूप में यूज़ में है, बट ये यहाँ पे जो रखा है इसके बारे में आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब 1966 टू 1974 में बने थे और कुछ कुछ अभी भी यूज़ में है। ये दो सीट का प्लेन है, यहाँ पे आगे और पीछे दो सीट हैं, आप देख पा रहे हो। अगले प्लेन की तरफ चलते हैं। ये इसी प्लेन का जो आपने अभी MiG-21 देखा यहाँ पे, इसका इंजन है जो बाहर निकाल के रखा है। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस एरिया में होता है प्लेन के, जो बाहर निकाल के अलग से डिस्प्ले पे रखा गया है। ये है IGT, ये ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट बोला जाता है इसे। यहाँ पे इसकी हाइट भी कम होती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में नीचे की साइड लिखा है सर्विस सीलिंग, मतलब ये 9000 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच पाता है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले मिग देखा था वो 17000 मीटर के ऊपर आसपास जा पाता है, मतलब ये आपका ट्रेनी प्लेन है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, दो लोग बैठते हैं यहाँ पे भी।